चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हैंड्री। मैंने जो जो भी कहते रहे मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हैंड्री। हाँ तो बच्चों, आपने देखा जब हम एक्स प्लस वाई करते हैं तो जेड मिलता है। ये कमाल की चीज पर ये होता है। लगता है सबको उठाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ आप आ गए सिर। देखिए ये मकड़ी को, जरूर जहरीली होगी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं हूँ ना मिस बैटल एक्स। मेरा चश्मा। तुमने मेरा चश्मा लिया है। शांत हो जाओ बेटी, तुम्हारा चश्मा मेरे पास है। सिद्धी, थैंक यू। प्लीज मुझे मेरा चश्मा वापस दे दो सॉगिंगटन। मेरा पैर पड़ गया उस पर। जोर से बोलो सॉगिंगटन। मेरा पैर पड़ गया बैटी। ऐसा? मैं अभी इन्हें बनवा कर लाता हूँ। थैंक यू सिदी। वैसे तुम मेरे क्लास में क्या कहने आए थे? हाँ हाँ, मैं बच्चों को सिर्फ ये याद दिलाने आया था कि आज दोपहर को एस्टन एथलेटिक जूनियर फुटबॉल टीम का सिलेक्शन मैच है। याद है ना बच्चों? मैंने हाँ नहीं कहा है। प्लीज मिस, अगर ये मिस हो गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा मार्गरेट, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम अपने दोस्तों के साथ स्पाइडर कैच खेल रही थी। पर चुप हो जाओ, तुम सबको मैं अभी के अभी पनिशमेंट देती हूँ। कोई परवर अगर मगर नहीं। यकीन नहीं होता सिलेक्शन मिस कर रहा हूँ। मैं भी हेनरी, एक मौका था वो भी गया हाथ से। अच्छा तो अब क्या करने वाले हो तुम लोग? बक बक बंद सड़ेली, हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तुम्हें। वो तुम हो जिसके कारण हम सब के सब फंस गए हैं। सुनाई नहीं देता बक बक बंद सड़ेली। प्लीज मिस हेनरी बात कर रहा है। थैंक यू मार्गरेट, चुगली करना बंद करोगी, वो भी तब जब तुम भी बात कर रही थी। वाह वाह मार्गरेट, आई थी बड़ी चुगली करने। चुप रहो। प्लीज मिस राज भी बात कर रहा है। फिर से थैंक यू मार्गरेट, अब ये तुम दूसरी बार बोली हो। अब क्या करने वाली हो मार्गरेट? चुप कर सड़े हुए करेले। मुझे सिर्फ कम दिखाई दे रहा है पर मैं सब कुछ सुन सकती हूँ एल। ओप्स मार्गरेट, तुम तीन बार बोल चुकी हो। इतनी जल्दी भी क्या है? मार्गरेट, एल, रेल्फ और हेनरी यहीं रुको, बाकी सब जा सकते हो। तुम सब में से बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मैं। थैंक यू। तो सुनो, आज तुम सब के सब यहीं रहोगे सारा का सारा दिन। साइंस लैब जाओ अभी। हाँ
अटेंशन, मिस बैटलैग्स आ गई हैं। थैंक यू मिस्टर सॉगिंगटन, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मिस ऑडबॉर्ड ने कहा है कि आज दोपहर को एश्टन एथलेटिक जूनियर टीम फुटबॉल ट्रायल्स को मैं जज करूँगी और आप जाकर मेरा चश्मा बनवाएंगे। तो अब जाइए मिस्टर सॉगिंगटन। ओके मिस बैटलैक्स, मैं अभी आया। ये कैसे जज हो सकती है, ये तो एक लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ सर? कुछ नहीं मार्गरेट, मैं सिर्फ थोड़ा दुखी हूँ। दुखी तो हम भी हैं सर, हम भी तो मिस कर रहे हैं। हाँ, और हमने तो मिस बैटलैक्स का चश्मा भी नहीं तोड़ा था। ये तो तुमने सही कहा मार्गरेट, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं बताऊंगी हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ तो जरूर करेंगे। शुरू हो गई बकबक। तुम्हें तो पनिशमेंट मिली थी ना? अगर हमने तुमसे बात की तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। चुप करो रोटलो, तुम्हें पीटर तक मेरा एक मैसेज पहुंचाना है, समझे? मैं पीटर को मैसेज नहीं दे सकता हूँ। लगाओ क्या दो झापड़, यहाँ और सुनो मेरी बात। हम तुम्हारे लिए मैसेज लाए हैं पीटर। अच्छा, क्या है बोलो। अब हेनरी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। मुझे नहीं सुनना है। पर हमें बहुत मार पड़ेगी अगर तुमने मैसेज नहीं सुना। कौन मारेगा? हेनरी। फिर भी नहीं सुनना। पर मार्गरेट। ये हुई ना बात। बस तुम्हारा चश्मा बनवा नहीं जा रहा था बेटी। थैंक यू सो मच सॉगी। एक्सक्यूज मी। बाहर निकलो शैतानों की सेना, भाग जाओ सब। थैंक्स कद्दू। ये मैंने मार्गरेट के लिए किया। क्या भाई है? बस आपका इंतजार था मिस लवली। चलो एक लाइन बनाओ शैतानों की सेना। बस ये बताने आया था कि आपका चश्मा बस आ रहा है। आप अपने साथ नहीं ले आए? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि वो उसे चमका रहे हैं। थैंक यू सॉगिंगटन, अब मुझे वापस अपने काम पर लग जाना चाहिए। ऑफसाइड। सॉरी बैटी। कोई बात नहीं सॉगिंगटन। ऑफसाइड। चाहे जो मतलब हो। ये बात है, रोक के दिखाओ। यस, हम जीत गए। हम जीत गए। यस, तुम्हारी जेब में क्या है सॉगिंगटन? लगता है वो तुम्हारा चश्मा है बैटी। मेरा चश्मा तुम्हारी जेब में पॉलिश हो रहा है क्या सॉगिंगटन? यस, मुझसे अच्छा कौन पॉलिश करेगा। जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। क्या वो
अब क्यों नहीं पार्टी हो जाए जीत की खुशी में। ओह, तुम कितने स्वीट हो सॉगिंगटन। दोस्तों, हम अपने हारने वालों से क्या कहते हैं? सब एक साथ बोलो। नहीं!